जिला बिलासपुर के निजी बस ऑपरेटरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सुबह से ही कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए खासी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों की सुबह से ही खासी भीड़ बस अड्डा व आसपास की सड़कों पर देखने को मिली तथा स्कूली छात्रों को भी स्कूल पहुंचने के लिए जहां लिफ्ट लेनी पड़ी, वहीं अध्यापकों को ग्रामीण इलाकों में टैक्सी की सहायता से स्कूल पहुंचाना पड़ा है। जिला बिलासपुर में 326 बसों के 326 रूट प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 48 रूट ऐसे थे जिनमें केवल निजी बसों से ही लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। उन लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। जिला के निजी बस ऑपरेटरों ने घुमारवीं बस अड्डे में एक स्थान पर बैठे रहे और सरकारी बसों की निगरानी करते रहे जो बिना रूट परमिट के जा रही थी। घुमारवीं बस स्टैंड पर निजी बस ऑपरेटरों ने बस मालिकों, चालक परिचालकों के लिए चाय, पानी व खाने का इंतजाम कर रखा था। बस ऑपरेटरों ने कहा कि हम पहले भी सरकार से आग्रह करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर गौर फरमाया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डीजल के दाम व बढ़ती महंगाई पर अब बसों को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। 2013 में डीजल का रेट 44 रुपए लीटर था तो उस समय किराए में बढ़ोतरी हुई थी, परंतु अब डीजल 73 रुपए पहुंच गया है और किराया 2013 वाला ही है। पड़ोसी राज्य में 5 वर्ष पहले किराया 10 रुपए था जबकि हमारा लोकल किराया 3 रुपए है। स्पेयर पार्ट में 28% टैक्स के रूप में भुगतान करते हैं, पासिंग के दौरान ग्रीन टैक्स भी अदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसी भी बस अड्डे में अड्डा टैक्स के रूप में भुगतान करते हैं। 5 वर्षों में इंश्योरेंस की 3 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। परिवहन बसों की निजी बसों के साथ प्रतिस्पर्धा रहती है जिससे भी निजी ऑपरेटरों को हानि उठानी पड़ती है। सभी बस ऑपरेटर अपनी बसों को चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मजबूर होकर बसें खड़ी की हैं। ऑपरेटरों ने सरकार से आग्रह किया है कि हमारी मांगों पर शीघ्र मंथन कर हल निकाला जाए। इस मौके पर राजेश पटियाल, राहुल चौहान, बलजीत कश्यप, अमरजीत सेन, रणवीर सेन, अमरनाथ निक्कू, महेंद्र चंदेल, तेजपाल आदि मौजूद रहे। जिला बस ऑपरेटर के प्रधान राजेश पटियाल ने बताया कि हड़ताल कर हमारा उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं है। हम फिर से सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार कर उनका हल निकाला जाए। निजी बस ऑपरेटर जिला बिलासपुर की जो हड़ताल है वो शांतिपूर्वक तरीके से की जा रही है। हमने किराए बढ़ोतरी के ऊपर स्ट्राइक की हुई है क्योंकि पहले 46 रुपए से आज डीजल जो है 73 रुपए पहुंच गया है, लेकिन 5 वर्षों में हमारा किराया जो है वो नहीं बढ़ा है।